सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ सभी को। और बर्थडे के लिए तो मैं सभी को थैंक्स करता हूँ जो भी मैं लिया है। और इनकाउंटर पिक्चर का अभी मैं इसमें एज ए हीरो सिर्फ काम कर रहा हूँ, इसमें कोई मेरा वो नहीं है। जो भी है इसकी प्रोड्यूसर जितना भी है 101% सुष्मिता शौकीन है। उन्होंने अपने दिमाग में थोड़ा सोचा था, एक्चुअली ये पिक्चर हमारी बहुत पहले से सोची हुई थी, बट अभी हम लोग कुछ प्लान बना रहे थे, एक उनके ही नाम पर पिक्चर है सुष्मिता उसका, बट हमने वो अभी थोड़ा डिले किया है क्योंकि अभी मौसम थोड़ा बाहर घूमने का है, मुंबई से बाहर जाए जितना उतना अच्छा है। तो सोचा सबसे पहले हम लोग इनकाउंटर ही कर लेते। इनकाउंटर के बारे में, सर इनकाउंटर के बारे में कैसा स्टार कास्ट और किस लेवल की स्टार कास्ट भी, और वो भी तो सब पवन सर बताएंगे, बाकी आपको स्टोरी हम बताने। सर आप बताओ, डायरेक्टर हमारे पवन सर है, क्या क्या। मेरा नाम पवन प्रताप सिंह है, डायरेक्टर। मैं इस फिल्म में इनकाउंटर इसके पहले विनोद जी के साथ में तिज्जू भाई डायरेक्ट कर चुका हूँ, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी की है सर। प्यार से पागल वेब सीरीज भी अभी शूट करके आए, जस्ट अभी थर्ड ही अभी हम लोग जाने जा रहे हैं इनकाउंटर फिल्म। इनकाउंटर फिल्म को, इनकाउंटर फिल्म जो है एक बहुत सामाजिक बेस में है, जो हमारे क्या समाज में क्रोधियाँ फैली होती हैं उसको पुलिस कैसे उस मतलब पुलिस कैसे उसको चेज करती है, ये पूरा इनकाउंटर में दिखाया है। इनकाउंटर एक इतनी बेहतरीन जैसे सामाजिक, जो कि हरियाणा में शूट करेंगे नेक्स्ट मंथ से, हम लोगों का प्लान है। डेट तो विनोद सर बताएंगे कब से शूट करना है, लेकिन क्योंकि अभी इसकी राइटिंग चल रही है तो ये है कि अभी हम लोग दिसंबर में शूट करने का इसका पूरा प्लान कर लिया है। सर एक मूवी रिलीज है और दो मूवी रेडी है, तो अभी कौन सी मूवी अभी शूट करने वाले हैं, इनकाउंटर या इनकाउंटर? अभी हम लोग सबसे पहले इनकाउंटर शुरू करेंगे। इनकाउंटर पहले हम तो सुविधा ही शुरू करना था, लेकिन क्या है कि थोड़ी एटमॉस्फेयर यहाँ मुंबई का कुछ अलग है, वहाँ हरियाणा में अभी हम लोग शूट करते क्योंकि वहाँ अभी इतना ज़्यादा वो नहीं होता, जिससे क्या है कि हम लोग बाहर ज़्यादा शूट करेंगे तो उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा। और अच्छी फिल्म है, बहुत साफ़ सुथरा है, जिससे कि हम एक अलग अलग लोकेशन, और हरियाणा में बहुत ब्यूटीफुल लोकेशन है जिससे हम लोग बाहर शूट कर सकते हैं और हमें कोई भी चीज़ का दिक्कत नहीं हो सकती वहाँ हरियाणा में, क्योंकि पहले हम लोगों को बारिश में शूट किया था तो बारिश में कुछ अलग था, डिले भी होता है, शॉर्ट हो जाते हैं तो थोड़ा हम लोग को भी नुकसान ही होता है क्योंकि बारिश में शूट नहीं कर पाते उस तरीके से। अभी मौसम वहाँ का अच्छा है तो उस तरीके से। हाँ, मेरे बच्चे के लिए मैं खास करके हरियाणा और दिल्ली के लोगों को कहूँगा, आप लोगों को एक चांस है, जो हरियाणा टैलेंट हमने अभी अभी शुरू किया है तो उसका हमने फर्स्ट प्राइज रखा है 11 लाख रुपये। ये सिर्फ सिंगिंग और डांसिंग का है, आप सिंगिंग कर सकते हो, डांसिंग कर सकते हो। उसका ऑडिशन अभी यही महीने से, नेक्स्ट मंथ से चालू हो जाएगा उसका भी ऑडिशन। हम लोग रिसेंटली जैसे पिक्चर के लिए निकलेंगे तो हम लोग हमारे स्टार कास्ट को लेके या जो भी हमने सोचा उसमें, अनु मलिक जी या जावेद अली जी, अलका अग्निहोत्र, जितने भी लोग हमने सोचे हैं वो सब लोग हमारे साथ में जाएंगे प्रमोशन पे। और हम लोग बड़े पैमाने पे उसका वो कर रहे हैं, हरियाणा वालों के लिए एक चांस है ये। फर्स्ट प्राइज रहेगा उनका 11 लाख रुपये, सेकेंड प्राइज रहेगा 5 लाख रुपये, और थर्ड प्राइज है 1 लाख रुपये, ये सिंगिंग और डांसिंग का हरियाणा और दिल्ली के लोगों के लिए। हाँ, दूसरा ये है कि आज हमारा OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है देसी बुल। अब हम चाहते हैं जितने भी लोग सोचते हैं कि हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, वो लोग अपना कुछ भी बनाए, अच्छी वेब सीरीज बनाए, अच्छी फिल्म बनाए, डायरेक्टली हमको ला के दे सकते हैं, हमें सेलिंग कर सकते हैं, हम उसको ऑन द स्पॉट वहाँ पे उनकी सेलिंग एडवांस में लेंगे। सर ये मूवी आपने मदद किया है, तो इसके बारे में आपने क्या सोचा है कि मतलब किस टाइप के लोकेशन और क्या बजट रहेगा? बजट का तो हम नहीं बता सकते, बजट तो हाई क्लास है, इसका बजट हम लोग कुछ नहीं बता सकते क्योंकि इनकाउंटर कोई आम तो है नहीं। तिज्जू भाई से बहुत बड़ा ग्रैंजर में पिक्चर शूट होने वाली है, बहुत बड़े ग्रैंजर में, और इसमें सब नॉन फेस लोग, नॉन फेस हरियाणा वाले जितने भी हैं लगभग सिर्फ हमारे सपोर्टर हैं, रहेंगे जरूर रहेंगे, हरियाणा वालों को मैं छोड़ नहीं सकता उस तरीके से। मैं तो फिल्म को थैंक्स कहता हूँ कि मैं 14-15 साल में इस फिल्म ने मुझे घर पे जाने का मौका देती है, सबसे ज़्यादा मुझे घर पे टाइम बिताने का मौका देती है, मैं थैंक्स कहता हूँ। हरियाणा जैसी धरती पे रहना मेरे लिए सौभाग्य है, और जितना भी
मुझे मेरी लाइफ में यहाँ 15-16 साल से मुंबई में रह रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैंने टाइम बिताया है तो फिल्म के जरिए बिताया है। हाँ, मैं पवन जी को थैंक्स कहता हूँ कि एनकाउंटर में भी पवन जी ने मुझे एज ए लेडी चुना है और सोचा है कि मैं वो किरदार कर पाऊँगा, और सुष्मिता जी को भी मैं थैंक्स कहता हूँ जिन्होंने मेरे ऊपर भरोसा करके वो पिक्चर प्रोड्यूस करने की कोशिश की है। मुझे अच्छी फिल्म है और हम उसी तरीके से शूट करेंगे, एकदम अच्छा है। अच्छा चीज़ उसमें एक्चुअली में सबसे बड़ी है कि ड्रामेटिकल फिल्म है, जिससे लोगों को ज़्यादा ज़्यादा देख के इसमें मज़ा आएगा, अच्छे भरपूर। देखिए क्या होता है, एक फिल्म आज के डेट में हम लोग आज के जनरेशन में पहले जैसी फिल्में एक्शन नहीं बनती, लेकिन हम इसको क्या है ज़्यादा से ज़्यादा एक्शन में भरपूर एक्शन बनाएंगे, जिससे कि हरियाणा के इतने ब्यूटीफुल लोकेशन में फिल्म आया जाए जो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आएगा। इसको तो सर इसके बाद आपका टिज्जू भाई जो है इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। टिज्जू भाई देखिए, टिज्जू भाई बिल्कुल कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है, पोस्ट प्रोडक्शन बस कुछ ही दिन एक दो वीक में कंप्लीट हो जाएगा, वो उसका ट्रेलर आ जाएगा, वो हम लोग क्या है रिलीज करने का बिल्कुल फुल चांसेस है कि शायद क्रिसमस के पहले ही रिलीज़ करेंगे उसको अपना, क्योंकि अभी हमारा पूरा पोस्ट नहीं हुआ था, तो इसलिए हम लोग अभी फिक्स डेट नहीं बता सकते। पहले तो दिवाली में रिलीज करना था, लेकिन फिर क्या है कि हमारा पोस्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। विनोद सर ने ऐप जो लॉन्च किया है देशीबूत, उसके बारे में क्या कहेंगे कि कौन कौन सी फिल्म इस पर करेंगे कि वेब सीरीज क्या इसमें आएगा? वो विनोद सर बताएंगे कि देसी बुल देखिए एक अच्छा ऐप है, अभी हम लोग सबसे पहले उसमें एक वेब सीरीज डालेंगे। वेब सीरीज के बाद हमारा क्या है कि जैसे विनोद सर ने बताया कि कोई अच्छे कंटेंट बना के लाता है हरियाणा से, दिल्ली से या मुंबई से, कोई अच्छे कंटेंट ला के देता है तो भरपूर हम लोग यूज करेंगे। थैंक यू सर।